गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनुपम शर्मा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में लगातार आगे बढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक लगातार आगे बढ़ रहा था। उसमें हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे इंटरचेंज ऑफ डिग्री। तो इंटरचेंज ऑफ डिग्री में हम एडजेक्टिव की डिग्रियों को चेंज करते हैं। जैसे कि चेंजेस तो बहुत कहा जाता है, चेंजमेंट इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, कुछ ना कुछ बदलता रहता है। और साक्षात एग्जाम्पल आपके सामने है, इस समय देखो कितना कुछ परिवर्तन हो रहा है, लगातार वायरस बहुत कुछ बदल भी रहा है। तो हम लोग भी बदलते रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहे, पुराना हटाते रहे, नया लाते रहे। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा इंटर में, अगर नहीं पढ़ा तो एक लेसन आपको पैटरी में मिलेगा कि वहां पर प्रकृति अपने आप कुछ ना कुछ परिवर्तन करती रहती है। नई चीजों को जगह देने के लिए पुरानी चीजों का हटना भी जरूरी है। तो अब नए आएंगे तो नया, हमारे पास जो प्लेस है, स्पेस है, वो तो लिमिटेड है। तो उसमें जब नई चीज आती जाएंगे तो पुरानों का हटना भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर परिवर्तन, लेकिन हम लोग परिवर्तन में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कि कुछ चीजों को हटाने के लिए कुछ चीजें लानी पड़ती है, कुछ चीजों को लाने के लिए कुछ चीजें हटानी भी पड़ती है। तो यही हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे इंटरचेंज ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तीन डिग्रियां होती है, तो अगर हम एक डिग्री को हटाएंगे इसका मतलब दूसरी डिग्री लानी पड़ेगी, या दूसरी को हटाएंगे तो कुछ अन्य तीसरी लानी पड़ेगी। अब डिग्रियां तो तीन ही होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव की जगह कंपैरेटिव, कंपैरेटिव की जगह सुपरलेटिव, सुपरलेटिव की जगह कंपैरेटिव या पॉजिटिव, तीनों का आपस में इंटरचेंज होता रहता है। तो हमने दो इंटरचेंज पढ़े थे, सबसे पहले पढ़ा था पॉजिटिव डिग्री के साथ इंटरचेंज, मतलब पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज करना या कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव में चेंज करना। और दूसरा हमने पढ़ा था पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव में चेंज करना या सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। अब हमको एक लास्ट पढ़ना है जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का इंटरचेंज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आप लोगों ने जो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको वीडियो की मिलती रहे। ज्यादा शेयर करते चले, आपकी तरह आपके फ्रेंड भी उनसे जुड़ सके और बेहतर नॉलेज ग्रामर के बारे में प्राप्त कर सके। बिल्कुल बेस से पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आगे लगातार बढ़ रहे हैं, आपको हर पॉइंट क्लियर करते हुए। तो हम बात कर रहे थे इंटरचेंज ऑफ डिग्री की, तो कैसे बदलता है। तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा जो मैंने पहले ही बता दें, फिर से बता दें कि हमारे पास तीन डिग्रियां होती है, पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री और फिर हम बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री। याद रखिएगा, अब मैंने इन्हीं का आपस में इंटरचेंज पढ़ना है, इन्हीं का आपस में इंटरचेंज पढ़ना है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, और या तो फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। तो हमने इसके साथ इंटरचेंज पढ़ लिया, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, या उल्टा कर दिया जाए तो पॉजिटिव डिग्री के साथ में हमने इंटरचेंज पढ़ लिया। यहां पर एक कॉमन पॉइंट था कि दोनों का इंटरचेंज पॉजिटिव के साथ, एक कॉमन पॉइंट था कि प्लेस बदल रहा था। याद रखिए मैंने क्या बोला, जगह बदल रही थी, जिसके साथ कंपैरिजन था, जिससे किया जा रहा था, उनकी जगह आपस में बदल रही थी। सब्जेक्ट की जगह जो डिग्री के बाद लिखा है वो, और डिग्री की जगह सब्जेक्ट, आपस में इंटरचेंज हो रहा था। जो पहली बार देख रहे हैं वो जाकर के हमारा वीडियो सारे देख ले, प्लेलिस्ट में एक तरफ से मैंने टॉपिक के हिसाब से जो भी है ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी है एक तरफ से मैंने डाल रखे हैं कि किस प्रकार से आप वहां पर कैसे इंटरचेंज होता है, तो एक आपको सिलेबस से मिलेंगे। तो इस क्लास के हिसाब से तो यहां पर मैंने बोला था पॉजिटिव डिग्री के साथ इंटरचेंज है तो किस प्रकार से प्लेस बदलता है, जिनके बीच कंपेरिजन हो रहा है, जिसकी बात की जा रही है, वो कैसे अपना स्थान बदल देते हैं। तो याद रखना, प्लेस एक ही कंडीशन बदलेगा जब बात पॉजिटिव डिग्री से जुड़ी हो, पॉजिटिव डिग्री से बदले या पॉजिटिव डिग्री में बदले तभी प्लेस बदलेगा, अदरवाइज प्लेस नहीं बदले। प्लेस बदलने का मतलब जैसे हम आपको बता दें, लिख दिया जाए कि रमन इज टालर देन मोहन, किसकी किसकी बात हो रही है, रमन और मोहन की, रमन मोहन से अधिक लंबा है, कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसको हम जब पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तब देखिए, यहां पर मैंने पॉजिटिव ही क्यों लिखा, सुपरलेटिव क्यों नहीं लिखा, पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूं, सिर्फ दो के बीच जब बात होगी, दो पर्सन, दो थिंग, दो प्लेस, कुछ भी हो, तो उसका कभी सुपरलेटिव नहीं बनेगा। सुपरलेटिव का मतलब दो से ज्यादा में सबसे अलग, तो जिसके बीच कंपेरिजन उनकी जगह बदल देते हैं, मैं प्लेस बदलने की बात यही कह रहा हूं,
दूसरा पॉइंट बताया था कि पॉजिटिव से कंपरेटिव बदलने पर सेंटेंस निगेटिव से अफर्मेटिव और अफर्मेटिव से निगेटिव बनता है। नॉट नहीं लगा, लगा दिया। इस वजह से नॉट लगाते हैं, इस वजह से फ्रेज बदलते हैं जिससे मीनिंग में कोई भी फर्क ना पड़े। फिर मैंने कहा था कि पॉजिटिव डिग्री को हमेशा सो और एज के बीच लिखा जाता है या एज के बीच। नॉट जब लगे तो सो अधिक बेहतर मानते हैं, जब नॉट ना लगा हो तो एज। उसके बाद में जहां मोहन था वहां पर क्या हो गया, रमन। अब अर्थ निकालिए, रमन अधिक लंबा है मोहन से, ज्यादा लंबा कौन, रमन। इसका देखिए, मोहन इज नॉट मोहन नहीं है इतना लंबा जितना कि रमन। मोहन इतना लंबा नहीं है जितना कि रमन। कौन ज्यादा लंबा हुआ, दोनों। इस वजह से प्लेस बदलते हैं और नॉट लगाते हैं। नॉट नहीं लगाए, प्लेस ना बदले, गलत। तो हम बात ये कर रहे थे कि पॉजिटिव डिग्री के साथ इंटरचेंज है तो आपको प्लेस बदलना है, लेकिन अब आज हमको पढ़ना है इसमें सुपरलेटिव को कंपरेटिव में और कंपरेटिव से सुपरलेटिव। तो याद रहे, जब कंपरेटिव और सुपरलेटिव का इंटरचेंज होता है तो हमेशा उसी नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट होगा जिसकी बात करेंगे। कंपरेटिव और सुपरलेटिव जब इनका आपस में इंटरचेंज होगा तो प्लेस नहीं बदलेगा, डिग्री बदलेगी। कुछ वर्ड हट भी जाएंगे, कुछ अलग से वर्ड लगा भी दिए जाएंगे, लेकिन जगह नहीं बदलेगी कि हम सब्जेक्ट और जिनके कंपरेटिव की जगह आपस में इंटरचेंज कर दें, कुछ नहीं। बस जो जहां लिखा है वहीं रहेगा। हाँ, कुछ अलग से वर्ड हट भी सकते हैं, कुछ अलग से वर्ड लगाए भी जा सकते हैं। ठीक, अब ये देखिएगा, तो इनका इंटरचेंज हमें पढ़ना है। और याद रखना कि हमेशा कंपरेटिव और सुपरलेटिव उसी नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होगा जिसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक, अब देखिए, तो सबसे पहला, और इसके लिए आपको देखो यहां से हमारा सब कुछ क्लियर होता चलेगा। सबसे मेन पॉइंट अर्थ समझते चलिएगा। अब देखो, अगर हमने सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में लिखा, सुपरलेटिव डिग्री में, तो पहला पॉइंट है किस तरीके सुपरलेटिव डिग्री का मतलब कि यहां पर ये ए, ए का मतलब जिस नाउन या प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वर्ब। फिर पहला पॉइंट है जब द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आएगा, सीधे 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 सुपरलेटिव डिग्री, सब सबसे अलग बता दिया गया, सबसे अलग। उसके बाद में यहां पर आपका नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब देखिए, ऐसी कंडीशन में जब हम कंपरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना, मैंने बोला अब जगह नहीं बदलेगी, ये जैसा लिखा है लिखा रहेगा। पॉजिटिव में बदलना हो तो जगह बदलती, मैंने पीछे सब बता दी, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक, तो आप देखिए, उसके बाद जब सब्जेक्ट नहीं बदला तो वर्ब भी नहीं बदलेगी, सीधी सी बात है। कंपरेटिव बदलना इसका मतलब है सुपरलेटिव किसमें बदलनी पड़ेगी, कंपरेटिव डिग्री में, बिल्कुल सही है। सुपरलेटिव डिग्री किसमें बदलना पड़ेगा, कंपरेटिव डिग्री में। कंपरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो ये मालूम है कंपरेटिव डिग्री के बाद बैन लगता है, लगाना पड़ेगा, बिल्कुल बात सही है। अब मेन पॉइंट ये आता है कि तुलना हम करें तो तुलना करें किससे, तो ये तो कंफर्म है जिसकी बात कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे नाउन होगा, लेकिन यहां पर क्या लगा है हमें मालूम है जब ये सबसे अलग है। अब सुनिएगा यहां पर लगेगा क्या, आप एग्जांपल से क्लियर करिएगा। जैसे जैसे लिख दिया जाए कि लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड। अब मैंने यहां पर लिख दिया लंदन, बात किसकी हो रही है, लंदन की। लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी, लिखा है सबसे बड़ा शहर, सुपरलेटिव डिग्री बात, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट लिखा है, सिटी इन इंग्लैंड, नाउन कॉम्प्लीमेंट फ्रेज, जो भी अदर वर्ड लिखे, लंदन है सबसे बड़ा शहर इंग्लैंड में। लंदन इंग्लैंड में सबसे बड़ा शहर है, सुपरलेटिव डिग्री, बदलना किसमें है, कंपरेटिव में। तो ये जब हमें बदलना कंपरेटिव में तो इसका मतलब तुलना करनी पड़ेगी, तो तुलना तो हम लंदन की करेंगे ना, कोई किसी और कंपेयर कर देंगे। पॉइंट ये है कि लंदन का कंपैरिजन करना तो हम कंपैरिजन करें किससे, कंपरेटिव डिग्री भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें तुलना करनी है। यहां तक तो बिल्कुल लीजिए, मेन पॉइंट है यहां क्या लिखें, यही ध्यान देना है कि दैन के बाद क्या लिखें। अब एक बात बताओ, लंदन सबसे बड़ा शहर है इंग्लैंड में, इंग्लैंड में सबसे बड़ा शहर है, तो अब आपसे कहा जाए लंदन के आपको कंपेयर करना है तो आप किससे कंपेयर करोगे, लंदन में
लंदन का कंपेयर करना है इंग्लैंड में, तो सिटी की बात हो रही है, तो इंग्लैंड में तो बहुत सिटी होगी, तो आप किस सिटी से कंपेयर करोगे? हमें मालूम है सबसे बड़ा है, तो जब सबसे बड़ा तो आप तुलना किसी से भी कर दो। हमने पॉजिटिव से कंपेरेटिव में पढ़ाया था कि जब सबसे बड़ा होता है तो उसका मतलब है उसके जैसा कोई है ही नहीं, जब कोई नहीं है तो तुलना किससे करें? किसी से भी। किसी से भी तुलना करने का मतलब क्या आ गया? एनी अदर। अब बात हो रही है सिटी की, तो आगे तो लिखेंगे तो भाई हम एनी अदर सिटी इन इंग्लैंड, तो हमें अलग से क्या लगाना पड़ा? एनी अदर। तो यही आपको याद रखना है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन सबसे अलग है, उसके जैसा कोई नहीं, जब कोई नहीं मतलब पॉजिटिव डिग्री होता तो नो अदर से स्टार्ट करते, और वही नो अदर जब इधर जाता तो किसे बदलता था? एनी अदर में। तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ा? एनी अदर। अब आगे जो नाउन या प्रोनाउन लिखा है कॉम्प्लीमेंट, वो आपको वैसे लिख देना है। क्लियर? ये आपका बन गया सुपरलेटिव डिग्री को कंपरेटिव में कैसे बदला जाए, या कंपरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में कैसे आपस में इंटरचेंज है। तो देखिए ये जब अलग से लगाया है तो एनी अदर लगा, इसका मतलब उसके जैसा कोई नहीं तो सबसे अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद हमारा जो भी नाउन लिखा है और जो कॉम्प्लीमेंट लिखा गया वो वैसे लिखा रहेगा। क्लियर? इस तरीके से। दूसरा, एनी अदर जब आएगा तो नाउन सिंगुलर आएगा, ये भी याद रखना। एनी कोई भी एक किसी भी से कर दिया जाए तो एनी अदर आएगा, तो आगे नाउन सिंगुलर आएगा। आप एनी अदर की जगह याद रखना, जो मैं लिख रहा हूं जहां पर एनी अदर है तो वहां एनी अदर की जगह इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? ऑल अदर। मतलब एनी की जगह आल लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वो नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। ये पॉइंट याद रखिएगा। कहने का मतलब इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, लंदन इज लार्जर देन, कंप्लीट डिग्री है। अब देन के बाद जो हमने एनी अदर लगाया है वहां पर हम लिख सकते हैं ऑल अदर, लेकिन हमें फिर क्या करना पड़ेगा? सिटी की जगह सिटीज करना पड़ेगा। ऑल अदर सभी दूसरे शहरों से बड़ा है, तो चाहे इससे तुलना कर दी जाए। कहने का मतलब हमारा, आप जैसा मन हो वैसे कर दें, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बता दिया बाई चांस कंपरेटिव डिग्री में आ जाए, ऑल अदर लिखा और आप सोचोगे आप ये कैसे बनेंगे, तो बताया नहीं गया। तो एनी अदर लिखा चाहे ऑल अदर, दोनों एक ही बात है। एनी अदर कोई भी एक दूसरा सिंगुलर ना हो, ऑल अदर सभी दूसरे से कर दिया जाए, सिटीज प्लूरल हो गया। क्लियर? आप इसको आप नोट कर लीजिएगा और एक एग्जांपल और लिखते हैं, वो आप स्वयं ट्राई करिए। जैसे लिख दिया जाए कि लिख दिया मैंने कि महक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखिए लिखा है महक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। महक क्लास में सबसे इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव लगा हुआ है एक स्टूडेंट क्लास में। अब इसको आपको किसमें चेंज करना है? कंपैरेटिव डिग्री में, तो मोर इंटेलिजेंट तो आएगा जब सबसे बुद्धिमान, इसका मतलब है बिल्कुल इसी तरीके देन मोर इंटेलिजेंट की जगह बाद आएगा देन, एनी अदर स्टूडेंट लगा दो या मोस्ट सॉरी ऑल अदर लगाओगे तो स्टूडेंट्स करना पड़ेगा, एनी अदर लगाओगे तो स्टूडेंट सिंगल, आप स्वयं कर लेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर। अब अगर देखिए इसी को अगर हम पॉजिटिव डिग्री बदले तो कैसे बदलेंगे? सुपरलेटिव से कंपरेटिव बदल गया, तो हमने सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदलना भी तो पड़ा है, कंपरेटिव से पॉजिटिव में बदलना भी तो पड़ा है। तो हम जब तुलना किसी से भी कर देते हैं इसका मतलब उसके जैसा कोई नहीं, तो पॉजिटिव डिग्री अगर होता तो मैंने कहा था जगह बदलती है, ये इतना जो ये लिखा है इनकी जगह आपस में इंटरचेंज हो जाती है, मैंने कहा था पॉजिटिव डिग्री आएगा तो जगह बदल जाएगी, तो एनी अदर आगे पूरा आ जाएगा, तो एनी किस बदलता था? नो,
तो पूरा आएगा नो अदर सिटी इन इंग्लैंड इज, अब पॉजिटिव डिग्री रखी जाती है, पॉजिटिव डिग्री रखी जाती है एज के बीच में, तो नो अदर सिटी इन इंग्लैंड इज एज लार्ज एज इंग्लैंड, यहां पर आ जाता। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। तो पॉजिटिव बदलना होता तो नो अदर से स्टार्ट करते, याद रखिएगा इरेज कर दें। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा किस प्रकार से हमें बदलना है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जहां पर हमें कंपरेटिव से सुपरलेटिव बदलना है। तो बात तो वही है, उल्टा कर देना है बस, उसमें कुछ टेंशन की बात ही नहीं है, रूल है। हम जैसे सुपरलेटिव से कंपरेटिव बदलते हैं, ऐसे कंपरेटिव से सुपरलेटिव बदल सकते हैं। जैसे अपोजिट है, लिख दिया जाए, एक एग्जांपल हम लिख देते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल लिख दिया जाए यहां पर, ठीक, कोई भी एग्जांपल हम यहां पर लिख देते हैं। अब देखिए जैसे लिख दिया जाए कि चाइना इज लार्जर देन ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब देखिए चाइना इज लार्जर देन, कंपैरेटिव डिग्री लिखा है, चाइना की तुलना की गई है ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, संसार में सभी दूसरे देशों से बड़ा है। संसार में किसी भी अगर देश से कंपेयर कर दिया जाए तो चाइना बड़ा है। अब इसको कह दिया जाए सुपरलेटिव बदलो तो क्या बनेगा, जब किसी से भी बड़ा है इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ। हमें जब मालूम है कि चाइना संसार में किसी से भी बड़ा है, चाइना से कंपेयर कर दो तो सबसे बड़ा कंट्री कौन हुआ, चाइना। तो चाइना इज द लार्जेस्ट, अब ये आल अगर हटाना पड़ता है तो हटा दिया कंट्री, अब याद रखना कंट्रीज नहीं लिखेंगे, अब चाइना की केवल बात हो रही है कि चाइना सबसे बड़ा देश है, तो चाइना तो अकेला है ना, इसलिए कंट्री आएगा इन द, ये भी याद रखना है कि हमें सिंगुलर प्लूरल कहां करना है। अगर इसी को हम पॉजिटिव डिग्री बदल दें, हमें मालूम है चाइना सबसे बड़ा है, तुलना किसी से भी कर दो तो चाइना कितना बड़ा देश कौन हुआ, कोई नहीं। पॉजिटिव बदलेंगे तो मैंने कहा था जितना डिग्री के बाद लिखा होता बदल जाता है, पूरा आगे आएगा, लेकिन हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, नो अदर, क्यों, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज, पॉजिटिव डिग्री लिखा जाता है हमेशा एज के बीच में, एज लार्ज एज चाइना, चीन, कोई भी दूसरा देश संसार में नहीं है इतना बड़ा जितना चाइना। जब कोई दूसरा है ही नहीं इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा हो गया, चाइना। क्लियर, किसी भी तरीके से आ जाए आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल लीजिए। समझ में आ गया, एक बार फिर समझ लो, चाइना सभी देशों से संसार में आल अदर की जगह एनी अदर आएगा तो कंट्री रहेगा, याद रखना। ठीक, तो जब किसी से भी बड़ा है इसका मतलब उसके जैसा कौन हुआ, कोई नहीं। अब आपस में कैसा भी लिखा हो तीनों आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। मेन पॉइंट है आप अर्थ समझते चलिए, किसमें चेंज करना है ये भी ध्यान देना है, ठीक, कि हमें बदलना किसमें। अब देखिए दूसरा पॉइंट, यहां तो आ गया जब वो सबसे बड़ा, अब अगला इंपॉर्टेंट है कि जब यहां पर बात कर दी जाए, देखो अभी तो हमारा वही रहेगा सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई, लेकिन अभी क्या था, सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री थी, अब यहां पर क्या लिखा है, वन ऑफ द, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री है, फिर यहां पर हमारा आ गया नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब वन ऑफ द के सेंस में आएगा, और मैंने पहले भी कहा था वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, याद रखिएगा। अब तुलना करनी है तो ये तो कंफर्म है कि कंपैरेटिव डिग्री में है, चेंज करना है तो तुलना तो उसी से करेंगे जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक। वर्ब हमको कंपैरेटिव डिग्री भी लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में तो हमें बदलना है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में क्या लगता है, देन। मेन पॉइंट देखो ये सिंपल है, कंपैरेटिव बदलने का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब कंपैरेटिव डिग्री देन, देन के बाद क्या लिखे यही तो देखना है। तो अभी बना सुधा नहीं लगा था, अभी वो व्यक्ति वो चीज वो वस्तु सबसे सबसे अलग थी तो उसके जैसा कोई नहीं था, तुलना हमने किसी से भी कर दिया, लेकिन अब ये नहीं लिखा है। कल हमने बना के समझाया भी था किस प्रकार से वन ऑफ द आएगा तो क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री में वन ऑफ द का मतलब है कि कई लोगों में से एक ये है, कई लोगों में से एक ये है, ये नहीं कि नहीं इसके जैसा कोई है ही नहीं, तो मतलब
बहुत तुलना ज्यादातर से कर सकते हो लेकिन किसी से भी नहीं, इसलिए यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, मोस्ट अदर या मैनी अदर। तो मोस्ट या मैनी दो में से कोई एक लगाओगे, मोस्ट अदर लगाइए या मैनी अदर, उसके बाद में नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, ये समझिएगा यहां पर कैसे बदला है। अब आपको देन के बाद मोस्ट अदर या मैनी अदर, और याद रखना ये नाउन आपको प्लूरल ही रहेगा। अब ये मैंने बताया था पास्ट डिग्री में भी, दोनों पॉइंट पॉजिटिव डिग्री बदलने के बताए थे कि जब मोस्ट अदर या मैनी अदर आता है तो पॉजिटिव डिग्री बदलने पर वेरी फ्यू से स्टार्ट करते हैं, वन ऑफ द लगा है तो पॉजिटिव डिग्री बदलने पर वेरी फ्यू से स्टार्ट करते हैं। अब एक देखिएगा एग्जांपल, जैसे यहां पर लिख दिया जाए, अगर हम यहां पर एग्जांपल लिखे तो यहां पर हम एक एग्जांपल ही देते हैं जिसे लिख दिया जाए, कि खली इज वन ऑफ द टॉलेस्ट मैन इन इंडिया। खली इज वन ऑफ द टॉलेस्ट मैन इन इंडिया। अब इसमें देखो वन ऑफ द टॉलेस्ट मैन, मैंने अभी अभी बोला था वन ऑफ द के बाद जब नाउन आता है तो हमेशा प्लूरल, तो एरर क्या आएगी, अगर कभी आपको एरर आती है तो एरर फाइंड आउट करना याद रखिएगा, सिंटैक्स में एरर आती है तो वन ऑफ द टॉलेस्ट मैन, यही गलत है, मैन तो एक ही हो गया, जबकि बात कर रहा है सबसे अधिक लंबे व्यक्तियों में से एक खली है, सबसे अधिक लंबे व्यक्ति छाटे गए उनमें से खली है। तो अब देखिएगा इसको किसमें बदलना है, कंपेरेटिव डिग्री में, तो कंपेरेटिव में बदलना है तो ये तो कंफर्म है कि बात तो जिसकी हो रही तुलना उसी की करेंगे, तो खली इज तुलना जब की जाएगी तो इसका मतलब क्या आएगा, टॉलर देन वर्ब कंपेरेटिव डिग्री देन, बस यहां याद रखना देन के बाद। अभी अगर वन ऑफ द ना लगा होता, ये ना होता, एक होता सिर्फ इतना होता खली इज द टॉलेस्ट मैन, तो फिर यहां मैन होता, खली एक ही है, तो अगर सबसे लंबा होता तो उसके जैसा कोई था नहीं, तो तुलना आप पहले दर से कर दो, लेकिन यहां आपको क्या लिखना पड़ेगा, मोस्ट अदर मैन, क्लियर रहेगा, इन इंडिया, ज्यादातर लोगों से मोस्ट अदर मैन इन इंडिया। ठीक, आप दूसरा समझिएगा, इसी का अपोजिट कर दो, अपोजिट बन जाएगा, दूसरा देख लीजिएगा कैसे लिख दिया जाए, लेड इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल। अब देखिए लेड इज, लेड की बात कर रहा है, कह रहा है लेड इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल, तो फिर एरर हो गया, मेटल्स करना पड़ेगा, सबसे अधिक भारी धातुओं में से एक लेड है, सबसे ज्यादा भारी धातुओं में से एक, मतलब और भी ऐसे मेटल्स हैं जो इसके इतनी भारी हो सकती हैं, ठीक, ये इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि सबसे अधिक भारी। अब जब हम तुलना करेंगे तो ये सबसे अधिक, तो मतलब धातुएं तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से कहा गया तो लेड इज, अब बात आ रही है कंपेरेटिव डिग्री की, तो कंपेरेटिव डिग्री लगाना पड़ेगा देन। अब यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, वन ऑफ द लगा, इसका मतलब क्या लगाएंगे यहां पर, मोस्ट अदर मेटल्स। क्लियर, अगर हम इसी को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना चाहें तो कैसे बनेगा, मैंने बोला था कि जब वन ऑफ द आ जाए या मोस्ट अदर मैनी अदर आ जाए तो हमें मोस्ट अदर मैनी अदर को किसमें चेंज करना है, देखो अगर हम इसी से चेंज करें तो इसको, और कहा था कि जो कंपेरेटिव डिग्री बात जो आता है इन्हीं की जगह बदलती है, तो लेट की जगह ये पूरा आएगा, लेकिन मोस्ट अदर किस में बदल जाता है, वेरी फ्यू में, तो वेरी फ्यू मेटल्स आर, प्लूरल है आर हो गया, उसके बाद में आर एज हैवी एज लेट। क्लियर, चाहे कंपेरेटिव से चेंज कर लो चाहे सुपरलेटिव से चेंज कर लो, दोनों मैंने बताया था कि जब तुलना मैनी अदर है मोस्ट अदर से हो तो पास्ट डिग्री वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा, और वन ऑफ द क्वेश्चन आए तब भी पास्ट डिग्री वेरी फ्यू से, ये तीनों आपस में कैसे भी आप कर सकते हैं।
क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से फटाफट, फिर हम लोग एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं जिसमें हम तीनों डिग्रियों में आपस में इंटरचेंज कर ले। तो सेंटेंस और देखते हैं, तो इसको जल्दी से नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, नोट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी का आपस में इंटरचेंज है, इसको बिल्कुल सिंपल है। ठीक, अब देखते हैं, अब हम दो तीन सेंटेंस लिखेंगे, आपका बिल्कुल सब पॉइंट रिवीजन हो जाएंगे, पॉजिटिव से कंपरेटिव, कंपरेटिव से सुपरलेटिव, इस तरीके से कहां पर हमें कैसे बदलना है। ठीक, देखिए तो आपको तीनों पॉइंट याद रखिएगा, किस कंडीशन में हमें कंपरेटिव में बदलना है, किस कंडीशन में कौन सा हमें बैन के बाद क्या यूज करना है, ये सारी चीजें भी आपका जानना बहुत ही अहम है। ठीक, तभी बदल पाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल हम लिख देते हैं किस प्रकार से हमें चेंज करना है। ठीक, देखिए पहला हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे लिख दिया जाए अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री, सुपर लेटिव डिग्री है। अब इसको आपको किसमें चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में भी चेंज करना है और आपका कंपरेटिव में भी चेंज करना है। ठीक, सोचिएगा, आप ट्राई करिएगा। फिर यहां पर लिख दिया जाए महात्मा गांधी इज, या टेंस बदल दिया जाए यहां पर, वाज लगा दो, जो भी है, महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड। हमने वाज लगा दिया तो पास्ट में जा रहा है, ये सबसे महानतम नेताओं में से एक थे। ठीक, तो उस समय की बात है जब जीवित हैं, तो अभी भी, लेकिन ये उस कंडीशन में लिविंग है। तो अब देखिए यहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री है, अब इसको किसमें बदलना है, पॉजिटिव डिग्री में और कंपरेटिव डिग्री में। तीसरा एक और सेंटेंस लिख देते हैं, फिर यहां पर मैंने लिख दिया वेरी फ्यू प्लेयर्स आर एज रिच एज कोहली। यहां पर हमने लिख दिया, अब देखिए यहां पर पॉजिटिव डिग्री लिखा है, अब इस कंडीशन में आपको इसे ही बदलना है कंपरेटिव और सुपरलेटिव में। और एक एग्जांपल और लिख देते हैं यहां पर, किस तरह से लिखा जाए, कि रोज इज मोर ब्यूटीफुल, रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर। ठीक, लिख दिया मैंने मोर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर। अब इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है और सुपरलेटिव डिग्री में। अब देखिए ध्यान से आपको कैसे चेंज करना है, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री, रिचेस्ट सबसे धनवान, जब सबसे धनवान है तो हम अमेरिका की तुलना किससे कर दें, चार्ज से, मतलब बैन के बाद एनी अदर है, कंफर्म। जब सबसे धनवान है तो अमेरिका कितना धनवान कौन सा हुआ, अमेरिका कितना अमीर कौन सा कंट्री हुआ, कोई नहीं। तो पॉजिटिव डिग्री जब बदलेंगे तो याद रखिएगा पॉजिटिव डिग्री नो अदर, बात कंट्री की हो रही है तो नो अदर कंट्री अगर आगे हम जोड़ दें इन द वर्ल्ड, तो यहां पर हम इसको जोड़ देंगे इन द वर्ल्ड, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मैंने कहा था पॉजिटिव डिग्री के साथ अगर इंटरचेंज हो गया तो प्लेस बदल जाएगा अमेरिका की जगह पूरा का पूरा, लेकिन जब कोई उसके जैसा है ही नहीं तो हमें नो अदर लगाना पड़ा। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज हमेशा पॉजिटिव डिग्री एज सीरीज में, एज रिच एज अमेरिका। अब आता है कंपरेटिव में, तो जब कंपरेटिव की बात आएगी तो कंपरेटिव डिग्री में तो हमें तुलना करनी है,
तो अमेरिका की तुलना की जाएगी। अब मेन पॉइंट आता है तुलना करें किससे, जब अमेरिका कितना धनवान कोई नहीं है तो आप तुलना किससे करेंगे, किसी से भी कर दो, एनी अदर आ जाएगा, यहां पर आएगा तो क्या आएगा, एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, जब भाई उसके जैसा कोई नहीं है तो तुलना किससे कर दे, किसी से भी कर दो, एनी अदर कंट्री, एनी अदर की जगह आल अदर करोगे तो कंट्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी की बात हो रही है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द लगा है, इसका मतलब सबसे नहीं है, पास्ट डिग्री है, इसका मतलब किससे स्टार्ट करेंगे, वेरी फ्यू, मैंने कहा था डिग्री के बाद जो लिखा है वो पूरा आगे आएगा, वेरी फ्यू लीडर्स इन द वर्ल्ड, संसार की बात हो रही है, वेरी फ्यू लीडर्स इन द वर्ल्ड, टेंस पास्ट में है इसलिए क्या लगेगा, वर, क्यों, मैंने कहा था वेरी फ्यू के साथ नाउन प्लूरल, वन ऑफ द के साथ नाउन प्लूरल, इसलिए वर भी प्लूरल, वेरी फ्यू लीडर्स इन द वर्ल्ड वर, अब पॉजिटिव डिग्री लिखना है तो इसका मतलब एज की भी लिखा जाएगा, एज ग्रेट, एज महात्मा गांधी बन गया। अब अगर चेंज करें कंपैरेटिव में तो आप देखिए कि कंपैरेटिव का मतलब है तुलना की जाएगी, तो हम कंपेयर किसका करेंगे, महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन, महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन, अब देखिए यहां पर ऊपर लिखा था हमने एनी अदर, क्यों, उसके जैसा कोई था नहीं, क्योंकि यहां ये नहीं लिखा गया कि सबसे महान, नहीं, महानतम लीडर्स में से एक थे, इसका मतलब और भी होंगे, तो जब कंपैरेटिव डिग्री आया तो देन के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, मैनी अदर या मोस्ट अदर, याद रखिएगा वन ऑफ द लगा, इसका मतलब मैनी अदर या मोस्ट अदर लीडर्स इन द वर्ल्ड, वैसे रहेगा, वेरी फ्यू प्लेयर्स, अब देखो पॉजिटिव डिग्री लिखा है, एज, वेरी फ्यू प्लेयर्स आर एज रिच एज कोहली, बहुत कम खिलाड़ी इतने अमीर है जितना कोहली, बहुत कम है, तो अब कंपैरेटिव डिग्री है, इसका मतलब हमें तुलना किसकी करनी है, जिसकी बात करें तुलना तो उसी की करेंगे, तो कोहली इज कंपैरेटिव डिग्री है तो क्या लिखना पड़ेगा, रिचर देन, तो वेरी फ्यू लगा, वेरी फ्यू कब लगाया था, जब हमको क्या लगाना पड़ा, मोस्ट अदर, इसका मतलब यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, मोस्ट अदर, और उसके बाद में यहां पर क्या आएगा, प्लेयर्स, ठीक हो गए, कोहली इज रिचर देन मोस्ट अदर प्लेयर्स, अधिकतर खिलाड़ियों से कोहली अमीर है, सुपरलेटिव, अधिकतर से अमीर है, लेकिन ये नहीं कहा गया सबसे अमीर है, इसका मतलब क्या हुआ, अमीर खिलाड़ियों में से एक है, कोहली इज वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेयर्स, ये अर्थ आप अर्थ समझते चलिएगा, अपने आप क्लियर होता चलेगा, कैसे, बिल्कुल आप बोले नहीं है कि क्लियर हो गया, रोज इज मोर ब्यूटीफुल, अब तुलना की जा रही है किसी से भी कर दी गई तुलना, जब किसी से भी कर दी गई इसका मतलब रोज की इतना सुंदर कौन सा फूल हुआ, जब रोज की तुलना किसी भी फ्लावर से कर दी गई कि रोज किसी भी दूसरे फूल से ज्यादा सुंदर है सब, तो इसका मतलब रोज कितना सुंदर कौन हुआ, कोई नहीं, नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज रोज, कोई नहीं, जब कोई है ही नहीं तो सबसे सुंदर कौन हुआ, तो बनेगा रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, भाई जब उसके जैसा कोई है ही नहीं तो सबसे सुंदर कौन हुआ, रोज, क्लियर, एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो हमारे जो तीन क्लासेस मैंने बताई तीनों में आपको अलग अलग पॉइंट क्लियर कर दिए, अब एक क्लास आपको बहुत ही स्पेशल क्लास मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें इन सब से थोड़ा हट करके सेंटेंस मिलेंगे, देन के बाद एक क्लास लिखी होगी या थोड़ा अलग तरीके सेंटेंस मिलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री जब निगेटिव होगा या एटलीस्ट आपको उसमें पता चल जाएगा कैसे कैसे सेंटेंस होंगे, वो भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस समय हमारे कैसे चेंज करना है डिग्री को, क्या प्लेसेस चेंज होंगे, प्लेस नहीं बदलेगा, देन की बात क्या लिखेंगे, ये किस में बदलेगी, ये सारे पॉइंट, तो आज आपको सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बताया, पीछे हमने पॉजिटिव के साथ इंटरचेंज बता दिया, इन एग्जांपल से तीनों क्लियर हो गए, अब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा किसी बुक से कैसे भी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो चलिए
आप इनको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आप नोट भी बना सकते हैं आसानी से। मैंने एक तरफ सारे जो कुछ भी है वीडियो बना रहे हैं, टॉपिक वाइज बनाते चल रहे हैं कंटिन्यू, ठीक। और जिसने भी फर्स्ट टाइम आज देखा है चैनल, तो उसे सब्सक्राइब कर ले, और प्ले लिस्ट में मैंने एक तरफ से वीडियो डाल रखे, टॉपिक डाल करके वहां से आप एक तरफ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, नए रूल्स के साथ में, नए सेंटेंसेस के साथ में, नए ऊर्जा के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।